इस मामले में आमिर और सलमान से पिछड़ गए बाहुबली प्रभास। अभिनेता प्रभास की फिल्म बाहुबली 2 ने चीनी बॉक्स ऑफिस पर धमाकेदार शुरुआत की थी। फिल्म ने शुरुआती 2 दिनों में ही 5.37 मिलियन डॉलर यानी 35.89 करोड़ रुपए कमा लिए थे, लेकिन बाहुबली 2 सबसे बड़ी ओपनिंग वीकेंड ग्रॉसर नहीं बन पाई है। फिल्म आमिर खान की दंगल और सलमान खान की बजरंगी भाईजान से पिछड़ गई है। हालांकि बाहुबली 2 को चीन में 5वीं हाईएस्ट ओपनिंग वीकेंड ग्रॉसर इंडियन फिल्म बनने का मौका जरूर मिला है। निर्देशक राजमौली की इस फिल्म ने अपने ओपनिंग वीकेंड में 52.12 करोड़ रुपयों का बिजनेस किया है। ये कलेक्शन इससे पहले रिलीज हुई बॉलीवुड फिल्मों बजरंगी भाईजान, सीक्रेट सुपरस्टार, हिंदी मीडियम और दंगल से कम है। सीक्रेट सुपरस्टार, हिंदी मीडियम, बजरंगी भाईजान और दंगल के बाद फिल्म बाहुबली 2 चीनी बॉक्स ऑफिस पर 5वीं हाईएस्ट ओपनिंग वीकेंड ग्रॉसर बॉलीवुड फिल्म बन गई है। हालांकि फिल्म को मिल रहे रिस्पॉन्स को देखकर ट्रेड एनालिस्ट्स का मानना है कि बाहुबली 2 लंबे समय तक बॉक्स ऑफिस पर पकड़ बनाए नहीं रख पाएगी। इसकी एक वजह ये भी है कि इस शुक्रवार को फिल्म एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर चीन में रिलीज होने वाली है। इसकी वजह से बाहुबली 2 को उतनी स्क्रीन नहीं मिल पाएगी। बाहुबली 2 के ग्लोबल कलेक्शन की बात करें तो फिल्म ने दुनिया भर में कुल 1,768 करोड़ का बिजनेस किया है। किसी भारतीय फिल्म के वर्ल्ड वाइड ग्रॉस करने के मामले में दंगल के बाद बाहुबली 2 का दूसरा नंबर है। बता दें कि बाहुबली 2 में प्रभास, राणा डग्गुबाती, अनुष्का शेट्टी, तमन्ना भाटिया और राम्या कृष्णन जैसे कलाकार मुख्य भूमिकाओं में हैं। इससे पहले फिल्म को जापान में रिलीज किया गया था और इसे काफी अच्छा रिस्पॉन्स मिला। चीन में बाहुबली 2 को 7,000 स्क्रीन्स पर रिलीज किया गया था। बाहुबली 2 के लिए ये हफ्ता अहम होगा क्योंकि शुक्रवार को एवेंजर्स इन्फिनिटी रिलीज होने वाली है।